हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। नेक्स्ट हम करते हैं पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक यानी नाम से ही पता लग रहा है, जो कि सामान्य बालक जो होते हैं, औसत जो बालक होते हैं, उनसे किन्हीं कारणों से पिछड़ गया है। ठीक है, तो इसके कारण जो हैं कई हो सकते हैं। हो सकता है कि जो वातावरण है उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इस वजह से जो है वह पिछड़ गया है, या उसकी बौद्धिक क्षमता जो है उसकी कमी की वजह से पिछड़ गया है, या हो सकता है उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, स्कूल का वातावरण जो है वह प्रॉपर नहीं हो। ठीक है, या उसका व्यवहार यानी उसका जो स्वभाव है वो इस प्रकार का है कि सामान्य बालकों से वो मेल नहीं खा पा रहा है और वो धीरे धीरे जो है वह पिछड़ता जा रहा है। तो जब कक्षा में बालक अपनी आयु के अनुसार न होकर उनसे पीछे रह जाता है तो वह बालक जो है पिछड़ा बालक कहलाता है। तो ऐसे जो बालक होते हैं इनकी पहचान कैसे होती है? पिछड़े बालकों की जो मानसिक आयु है वह अपने साथियों से कम होगी। ठीक है, पिछड़े बालकों की शैक्षिक आयु जो है वो अपने जो सामान्य बालक हैं, औसत बालक हैं क्लास में, उनसे कम होगी। और ऐसे बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि होगी, शिक्षा में जो उपलब्धि होगी, वह भी अपने साथियों से कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि पिछड़ा बालक अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में निम्न शैक्षणिक योग्यता को व्यक्त करता है। सिरिल बर्ट के अनुसार वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य अपनी उम्र के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, जो कि अपने जो साथ के जो बच्चे हैं तो उनके नीचे की भी कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, जो उनकी उम्र के बालक के लिए बहुत ही सामान्य होता है, तो ऐसे बालकों को हम क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहेंगे। बर्ट की बुक का नाम है, देखिए, द बैकवर्ड चाइल्ड, जिसमें उन्होंने पिछड़े बालकों के बारे में लिखा। तो पिछड़े बालकों की पहचान जो है वो बर्ट ने किससे की? शैक्षिक लब्धि के आधार पर की। तो देखिए, शैक्षिक लब्धि का जो सूत्र है, एजुकेशन कोशेंट, शैक्षिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। शैक्षिक आयु यानी एजुकेशनल एज, और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो बुद्धि लब्धि का हमने सूत्र देखा था, जहां ऊपर क्या थी? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, इसी तरीके से है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एग्जाम में आपको ऐसे मिल सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र अलग है और शैक्षिक लब्धि का अलग है। यहाँ पर बस थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पर ऊपर है शैक्षिक आयु, जब हम शैक्षिक लब्धि का सूत्र निकालेंगे, और जब बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालेंगे तो ऊपर यहाँ पर मानसिक आयु आ जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है, जिसकी वास्तविक आयु जो है वो 10 वर्ष है, ठीक है, और वह 8 वर्ष के बच्चे के जितना काम कर पा रहा है, ठीक है, अपनी सामान्य जो बालक हैं, औसत जो बालक हैं, उनके जैसा काम ना करके जो है पिछड़ गया है, और अपने नीचे की जो क्लास है उसके बराबर वो काम कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी शैक्षिक लब्धि क्या रहेगी? तो यहाँ पर 8 को 100 जो है, 8 को 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 800 आ जाएगा, 800 बट्टे 10। ठीक है, 800 बट्टे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगी शैक्षिक लब्धि? 80 आ जाएगी। तो इसकी शैक्षिक लब्धि कितनी रही? 80 रही। ठीक है, तो ऐसे बालक जिनकी शैक्षिक लब्धि 80 या 85 से कम हो, तो ऐसे बालकों को हम क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहेंगे। सोनेल का कहना है कि पिछड़ा बालक वह है जो अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी का प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि पिछड़ा बालक कौन है? कि जो कि जो उसके साथी हैं उनकी तुलना में जो भी शिक्षा जो है यानी पढ़ाई जो है उसमें वो कमजोर हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में कमजोर हैं या सभी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, तो उस कमजोरी का वो प्रदर्शन करते हैं, शैक्षणिक कमजोरी का प्रदर्शन करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहेंगे। सोनेल ने पिछड़े बालकों के 3 प्रकार बताए। फर्स्ट बताया इन्होंने मंद बालक, सेकेंड नंबर पर सामान्य पिछड़े बालक, और थर्ड नंबर पर विशिष्ट पिछड़े बालक। ठीक है, तो मंद बालक जो कि हमने पहले भी देखे थे, मंद बुद्धि बालकों के बारे में, जो कि विद्यालयी विषयों में सामान्य प्रगति न कर पाए। ठीक है, सामान्य पिछड़े बालक कौन से होते हैं? जो कि बौद्धिक रूप से सामान्य किंतु बाहरी स्थिति से जो परेशान हो, बौद्धिक रूप से सामान्य होते हैं लेकिन बाहरी स्थिति यानी कि जो परिस्थितियां होती हैं उनसे ये परेशान रहते हैं और इस वजह से पिछड़ जाते हैं। विशिष्ट पिछड़े बालक कौन से होते हैं? जो विशिष्ट तौर पर पिछड़े हैं यानी किसी एक विषय में कमजोर हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट में कमजोर ना होकर किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर हैं, तो ऐसे बालक जो हैं वह भी पिछड़े बालक की श्रेणी में आएंगे। तो सोनेल ने 3 प्रकार बताए हैं, मंद बालक, सामान्य पिछड़ा बालक और विशिष्ट पिछड़ा बालक। ठीक है, याद रखिएगा, डेफिनेशन जो है वो हमने देखी, यहाँ पर
कि सोनेल जो है वो क्या कह रहे हैं कि पिछड़ा बालक वह है जो अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी का प्रदर्शन करता है। तो थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ शब्द है शो, शो का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी शो का जो है वो प्रदर्शन करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिंक बिठा के आप इसको याद कर सकते हैं। और सिरिल बर्ड जो है, इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, बैकवर्ड चाइल्ड। और इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है, जो कि विद्यालय जीवन के मध्य अपनी उम्र के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो पिछड़े बालकों के संबंध में आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पिछड़े बालकों की विशेषताएं देखिए, सीखने की गति जो है इनकी धीमी होती है, इसीलिए हम इन्हें स्लो लर्नर कहते हैं। मानसिक योग्यताएं सीमित होती है, मानसिक आयु अपने समकक्ष से इनकी कम होती है। निराशावादी होते हैं, यानी जीवन में जो है निराशा इनके दिखाई देती है। ये सोचते हैं कि हम जो है, मान लीजिए कोई फॉर्म भी भरना हो तब भी ये क्या सोचते हैं, हम सामान्य बालकों जैसे नहीं हैं, हमारी शैक्षिक लब्धि कम है, हम जो है पास ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो निराशा का जो भाव होता है ये इनमें रहता है, आत्मविश्वास का जो है अभाव रहता है, आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इनके अंदर इसकी कमी पाई जाती है। सामान्य पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षण विधियों से ही सीख नहीं पाते हैं। तो ये विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, तो इनको विशिष्ट शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। इनकी बुद्धि लब्धि जो है वह 80 से 90 के बीच में होती है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि जो है कमजोर होती है, साथ में इनकी बुद्धि लब्धि जो है वह भी कमजोर होती है। शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा अचीव करना ये नहीं कर पाते हैं। समायोजन का अभाव होता है, इनमें समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये शिक्षा में जो है उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं, वहां कमजोर होते हैं। अपने साथ के जो बच्चे हैं उनके जैसा सामान्य कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो ये क्या करते हैं, समाज विरोधी कार्य जो है यहां पर जो है भाग लेते हैं। ऐसे कार्य जो करने में जो है ये हमेशा आगे नजर आएंगे, तो ऐसी प्रवृत्ति जो है इनके अंदर पाई जाती है। अब देखिए, कोई भी बालक जो है वो जन्म से पिछड़ा नहीं होता है, सभी सामान्य होते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। तो पिछड़ेपन के क्या कारण होते हैं, सबसे पहला देखिए शारीरिक रोग या दोष। तो कोई भी बालक जो है जिसमें शारीरिक रोग या दोष है, तो इस वजह से भी वो शिक्षा में पिछड़ जाता है। शारीरिक दोष यानी कि जो है जिनको कम सुनाई दे रहा हो, बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, तो ऐसे बालकों में पिछड़ेपन का जो है कारण यही रहता है, शारीरिक विकलांगता। और इन्हीं शारीरिक दोष के कारण ऐसे बालकों की जो रुचि होती है वो शिक्षा में कम होती है। पारिवारिक कारण भी हो सकता है कि इनके परिवार का जो है माहौल ही इस तरीके का हो, हमेशा कलह हो, जो इनके माता पिता हैं इनमें हमेशा झगड़ा जो है वह इनको देखने को मिलता हो, तो बच्चा जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है और वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। विद्यालय का वातावरण, हो सकता है विद्यालय का वातावरण जो है वही इस तरीके का हो कि बच्चा जो है वहां पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो बर्ड जो है उनका भी यही मानना था कि यदि बालक का घरेलू वातावरण या स्कूली वातावरण शिक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है तो बालक जो है वो पिछड़ जाएगा। इनका जो बुद्धि लब्धि है वो निम्न होती है, आईक्यू जो है इनका कितना होता है, 80 से 90 या 89 होता है। दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण, तो जो समाज है जहां पर वो रह रहा है वहां का जो सामाजिक वातावरण है वह भी अच्छा ना हो, दोषपूर्ण हो, तो इस वजह से भी वो पिछड़ जाता है। इस तरीके के समाज में वो रह रहा है, इस तरीके की गली मोहल्ले में वो रह रहा है जहां पर हमेशा जो है क्या हो रहा है, जातिवाद जो है वह फैलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजें देखकर जो है वो बच्चा सामान्य नहीं रह पाता है, तो उसके कार्य भी कैसे होंगे, असामान्य होंगे। तो पिछड़ेपन के कारण जो है शारीरिक रोग या दोष भी हो सकता है, पारिवारिक कारण भी हो सकता है, सब विद्यालय का वातावरण भी हो सकता है, दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण भी हो सकता है। फिर देखिए पिछड़े बालकों की शिक्षा, तो ऐसे बालकों को हम कैसे शिक्षित करेंगे, तो देखिए हमने जब
कारणों को जान लिया और पिछड़े बालक की पहचान जो है वो हमको हो गई, तो हम कह सकते हैं कि पिछड़े बालक जो होते हैं उनको मानसिक क्षमता के अनुकूल जो है शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे जो बालक होते हैं कोई भी परिस्थिति हो उस समय बालक जो है अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके और अपनी कक्षा में अन्य जो साथी हैं उनके साथ समायोजन ठीक तरीके से बैठा सके, ऐसे जो है उसको सिखाया जाना चाहिए, अच्छे तरीके से जो है उससे वर्ताव करना चाहिए और इन बालकों को जो है उपयुक्त घरेलू और स्कूली जो वातावरण है वो प्रदान करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षक जो है उसको इन पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई शारीरिक दोष है तो उसमें जो है सुधार लाना चाहिए। माता पिता को जो है इससे अवगत कराना चाहिए कि बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से सही नहीं है, पहले इसका इलाज कराया जाए, उसके बाद जो है उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। टीचर जो है वो अच्छी जो है शिक्षण विधियाँ जो कि विशिष्ट शिक्षण विधियाँ हैं उनका उपयोग कर सकता है। सरल व रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम हो, इस तरीके का पाठ्यक्रम हो जैसे हम देख रहे हैं वर्तमान में जो एनसीईआरटी की बुक राजस्थान में लगी हुई है कितनी इंटरेस्टिंग है, चित्र जो है वो इतने अच्छे होते हैं उनको देखकर किसी का भी मन कर जाता है उनको पढ़ने का, ठीक है। तो पिछड़े बालक यदि हम उनकी रुचि जो है विषय में लाना चाहते हैं तो इस तरीके का पाठ्यक्रम जो है वो तैयार होना चाहिए, बहुत ही सरल होना चाहिए जो उनको समझ में आ सके। विशेष विद्यालय जो है, विशेष विद्यालय का अर्थ यहाँ पर क्या है कि उनको जो है एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं वो लगाने चाहिए ऐसे बालकों के लिए ताकि सामान्य बालकों के साथ जो है वो आ सकें। विशेष अध्यापकों के द्वारा शिक्षा, ऐसे बालकों को जो है जो विशेष अध्यापक हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से जो है उन बच्चों पर ध्यान दें, तो ऐसे जो है टीचर उनका अरेंजमेंट स्कूल में करना चाहिए। विशेष शिक्षण विधियां जो हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे निदानात्मक विधि है, उपचारात्मक विधि है। तो निदानात्मक विधि, निदान का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, पहले उसको तो पता करें कि बच्चे को आखिर समस्या क्या है, तो इस विधि से पता कर सकते हैं और जो भी समस्या हमें पता लग गई तो अध्यापक जो है उसका उपचार कर सकता है। छोटे समूह में शिक्षा, ऐसा ना हो क्लास जो है वो भरी पड़ी है, पिछड़े बालक जो है उसी में बैठे हैं और सामान्य बालकों को शिक्षा दी जा रही है और पिछड़ा बालक पहले भी पिछड़ा था और भी पिछड़ जाएगा यदि उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। उसका कारण क्या होगा कि क्लास जो है उसमें अत्यधिक बच्चों का होना, ठीक है। तो ऐसे बालकों को छोटे समूह में शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यवहार जो है एक अध्यापक का कैसा होना चाहिए, प्रेम सहयोगी होना चाहिए, सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। बच्चा यदि कोई क्वेश्चन पूछना भी चाहे तो वो आराम से पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा ना लगे उसे कि अध्यापक जो है उसका बिहेव अच्छा नहीं है, यदि मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछूंगा तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। तो इसीलिए ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि बच्चे के मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, वह सीधे पूछ सके। सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा जो है वह देनी चाहिए। फिर देखिए असामान्य बालकों में ही नेक्स्ट है बाल अपराधी बालक। तो ऐसे बालक जो कि बाल है यानी बालक है, कम उम्र है और अपराध करते हैं, तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं, बाल अपराधी बालक। तो ऐसे बालक जो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और शैक्षणिक जो नियम है, जो कानून है, रूल है, उनका उल्लंघन करें, तो ऐसे बालकों को हम क्या कहेंगे, बाल अपराधी बालक कहेंगे। तो यदि बाल अपराधी बालकों की हम पहचान करें तो ऐसे बालक जो हैं वो शारीरिक तौर पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट, मोटे, लंबे, चौड़े, ठीक है, जिनके कान बड़े, इस तरीके के दिखाई देंगे और गुस्सा जो है इनकी नाक पर हमेशा होगा, यानी छोटी छोटी बात पर जो है गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना जो है ये इनके अंदर होता है, अपने संवेगों पर बिल्कुल भी ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को जो है नुकसान पहुंचाना, हमेशा दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखना, समाज विरोधी कार्य करना, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी को इसकी जो ये बालक होते हैं इनकी वजह से कोई कष्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो होने दो ऐसा ये सोचते हैं और ये सब होने के बाद जो है इनको सुख की अनुभूति होती है, तो ऐसे बालक बाल अपराधी बालक कहे जाएंगे। बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं सीजर लाम्ब्रोसो, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में आया जो कि लागू हुआ 15 जनवरी 2016 को, ठीक है। तो यहाँ पर संगीन अपराधों के बालकों की उम्र जो है वो 18 वर्ष जो थी इसको घटाकर 16 वर्ष कर दी गई, ठीक है। जो भी बालक अपराध करते हैं, संगीन अपराध करते हैं और जो कि 16 वर्ष से
कम है, तो ऐसे बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे, जो कि पहले क्या थी, 18 वर्ष थी, और अब जो है 15 जनवरी 2016 से जो है लागू कर दी गई है 16 वर्ष। इवांस के अनुसार जब कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नैतिक या कानूनी नियमावली को तोड़ता है तो वह बालक बाल अपराधी कहलाता है, जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन आते हैं। ठीक है, कानून ने जो भी डिसाइड कर रखा है, यानी कि वर्तमान में इसकी उम्र जो है वो 16 वर्ष कर दी गई है, ये निश्चित आयु है। यदि ऐसे बालक जो कि 16 वर्ष के हैं, इससे कम के हैं, और नैतिक और कानूनी नियमावली को तोड़ते हैं, तो इन बालकों को हम बाल अपराधी कहेंगे। गुड के अनुसार कोई भी बालक जिनका व्यवहार सामाजिक रूप से इतना भिन्न हो जाए तो उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, ऐसे बालक ही बाल अपराधी कहलाते हैं। यानी कि समाज सामाजिक रूप से जो है वो बिल्कुल हटके काम कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति जो है उस काम को नहीं करता, ऐसे काम वो करते हैं। बात बात पे किसी को जो है वो परेशान करना, चोट पहुंचाना, नुकसान कर देना चीजों का, ये यदि करते नजर आएंगे तो ऐसे बालक जो है बाल अपराधी बालक कहे जाते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? ये बालक जो है शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होते हैं, इनका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है, जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, स्वार्थी होते हैं, खुद के लिए ही करना है जो कुछ करना है, और देखिए साहसी होते हैं। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन में यदि आ जाता है कि बाल अपराधी बालक जो है वो साहसी होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। और ये बहुर्मुखी होते हैं, यानी अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो भी विचार होते हैं वो सामने इनके निकल कर आते हैं, और यानी इनको क्रोध भी आ रहा हो तो वह दर्शाते हैं, दूसरों पर नुकसान कर देते हैं, और किसी भी चीज से ये डरते नहीं है, घबराते नहीं है। ये वर्तमान में आनंद में विश्वास करते हैं, भविष्य की इनको चिंता नहीं होती है, यानी इनको कोई भी यदि चीज चाहिए तो उसके लिए छीन भी लेते हैं दूसरों से। ठीक है, क्योंकि इनको कोई भी चिंता नहीं होती, इनको कोई भी लेना देना नहीं होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, और जब भविष्य की ही चिंता नहीं है तो आज जो करना है उसी में ये आनंद महसूस करते हैं। इनमें समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति पाई जाती है, समाज विरोधी कार्य जो है ये करने में आगे रहते हैं। इनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है और अब जो है वो 16 वर्ष से कम है। ये समस्याओं को उचित विधि से हल नहीं करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन उसको सुलझाएंगे नहीं बल्कि क्रोध करेंगे। ठीक है, जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं और उस विधि और अपनी विधि के अकॉर्डिंग ही उस समस्या को हल करते हैं, जिसका जो परिणाम जो है वह भी सही नहीं निकलता। बाल अपराधी होने के क्या कारण होते हैं? देखिए, हमने देखा कि पिछड़ा बालक जो है वह भी जन्मजात नहीं होता है, किन्हीं कारणों की वजह से वो पिछड़ जाता है। उसी तरीके से बाल अपराधी बालक जो है यह भी जन्मजात नहीं होता है, बल्कि यह भी किन्हीं परिस्थितियों के कारण बाल अपराधी हो गया है। शारीरिक रोग या दोष का होना, इस वजह से भी वो बाल अपराधी हो गया है। खड़े कान, चौड़ा मुंह, नेत्र, हाथ पैर अधिक गतिशील होते हैं। अन्य जो बालक हैं उनके द्वारा इनको जो है, इनका जो शारीरिक ढांचा जो है इसको देख कर उनका मजाक बनाना, जो कि इनको सहन नहीं होता है, और इस वजह से भी ये बाल अपराध कर देते हैं। सेकंड है पारिवारिक वातावरण भी हो सकता है। परिवार में ही जो है पिता यदि अपराध कर रहे हो तो बालक जो है वो स्वाभाविक है वह भी इस चीज को करेगा। पिता यदि चोरी करता हुआ, उसको समझ में आता है पिता मेरे जो है चोरी करके ही धन कमा कर लाते हैं, तो वह भी जो है पीछे नहीं रहेगा। तीसरा नंबर है मनोवैज्ञानिक कारण। तो मनोवैज्ञानिक कारण जो है, जिसका समर्थन जो है सिगमंड फ्राइड भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि बाल अपराधी जो है वो कब बन जाता है, जब दमित इच्छाएं बहुत अधिक हो जाएं और वो पूरा ना हो पाए। ठीक है, इच्छाएं जो उसकी बहुत हो बालक की, और किन्हीं कारणों की वजह से इच्छाएं जो है वो अधूरी रह जाएं, पूरी ना हो पाएं, तो अवरुद्ध इच्छाएं और संवेग जो है उन पर कंट्रोल न कर पाना, निम्न बुद्धि लब्धि, तो ये कारण होते हैं बाल अपराधी होने के। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पर सामाजिक वातावरण। तो देखिए समाज में यदि भाषावाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, यदि इन चीजों को देखता है बच्चा तो बालक में अपराधी प्रवृत्तियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति हो सकती है, हो सकता है कि जो है पैसों का अभाव हो, जिस वजह से जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसा बालक जो है वो क्या करता है कि चोरी करने लग जाता है। ठीक है, डाका डालने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो है इच्छाएं उसको पूरी करनी है, तो आर्थिक स्थिति जो है उसकी वजह से भी बाल अपराधी जो है वो बन जाता है। XYY गुण सूत्र होना, यानी कि 23वें जोड़े गुण सूत्र में एक अतिरिक्त गुण सूत्र वाई, इसका होना,
तो इस वजह से भी बालक जो है वह बाल अपराधी हो जाता है। बाल अपराधी बालक के उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि, तो सबसे पहली है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि किसके द्वारा दी गई है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। तो इसमें इनकी जो है दो विधियां हैं बाल अपराधी बालक के उपचार की। सबसे पहली है स्वतंत्र साहचर्य विधि। तो ये कैसी विधि होती है? इसमें जो है एक बहुत ही अच्छा आरामदायक विश्वसनीय वातावरण जो है वह प्रोवाइड कराया जाता है बालक को, और वहां पर जो है उसके मन में कुछ भी आए, कोई भी विचार आए, तो वो आराम से उसको बोले, ठीक है, जो कुछ भी आए उसको बोलता रहे। तो यह स्वतंत्र साहचर्य विधि है, जिससे कि उन कारणों का पता लग जाता है जिस वजह से वो बाल अपराधी हुआ है। दूसरी है स्वप्न विश्लेषण विधि, यानी कि स्वप्न का विश्लेषण करना। तो इस विधि में व्यक्ति को अपने स्वप्नों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और स्वप्न विश्लेषण के आधार पर अतृप्त इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति में बाधक तत्वों का पता लगाकर और फिर उनका जो है निराकरण किया जाता है। दूसरी है व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। तो यहाँ पर व्यक्ति का जो इतिहास है, यानी कि उसके जो भी पिछला जीवन है, उसके बारे में जो है स्टडी की जाती है कि किस वजह से जो है वो बाल अपराधी हुआ हो, और फिर जो है सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर है मनोनाट्य विधि, यानी कि एकांत में जो है किसी एक घटना को लेकर जो है वो छोटा सा नाटक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति जो है उन चीजों को समझ पाए और जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, जो भी विचार है, उनको वह बता सके और फिर जो है उनका समाधान निकाला जा सके। नेक्स्ट देखिए अनिर्देशित विधि। तो ये जो विधि है इसको लाने वाले कार्ल रॉजर्स थे। तो कार्ल रॉजर्स जो है उनका ये मानना था कि बालक में स्वयं इतनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति होती है जिसके आधार पर वह अपनी अपराधी प्रवृत्तियां जो होती हैं उनको छोड़ सकता है, ठीक है। तो जरूरी क्या है कि उस बालक को जो है पॉजिटिव तरीके से जो है वो प्रेरित किया जाए, जिससे कि जो भी वो गलतियां कर रहा है उनको छोड़ सके। नेक्स्ट देखें बाल अपराधी बालक के उपचार की कानूनी विधि। सबसे पहले हमने मनोवैज्ञानिक विधि देखी, जो कि फ्राइड की मनोविश्लेषण विधि थी, ठीक है, टाइडमैन की व्यक्ति इतिहास विधि, मनोनाटकीय विधि और कार्ल रॉजर्स की अनिर्देशित विधि। तो ये बाल अपराध के उपचार की मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। कानून विधि कौन सी है? सबसे पहली है बाल सुधार गृह, बाल अपराध सुधार गृह। तो विश्व का प्रथम बाल अपराध सुधार गृह जो है 1887 में न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में जो है वो स्थापित किया गया था। तो बाल अपराध सुधार गृह में क्या होता है? बालक की जो अपराधी प्रवृत्तियां होती हैं उनको दूर किया जाता है और उन्हें सामाजिकता, सहयोग, नैतिकता, चरित्र, सद्गुण और व्यवसायिक शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। दूसरा है किशोर न्यायालय। तो यहाँ पर भी इसी तरीके के जो 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो कि अपराध जिन्होंने किया है, और तो उनको जो है न्यायालय में जो है यहाँ पर सुधार के लिए जो है कार्य किया जाता है, उन्हें हर चीज जो है वो सिखाई जाती है, जिससे कि उनकी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, नशा करने की प्रवृत्ति है या चोरी करने की जो आदत है, तो इनके जो है परिणामों के बारे में अवगत कराया जाता है, जिससे कि ये बुरी आदतों को छोड़ सकें। नेक्स्ट देखें फोर्थ नंबर पर है बेस्ट्रल संस्थाएं। तो यहाँ पर 1621 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो कि अपराध करके आए हैं, तो इनको यहाँ पर जो है एडमिशन जो है वो दिया जाता है, जिससे कि फ्यूचर जो है ये अपना बना सकें। इनको जो है व्यवसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, ताकि ये जो है कार्य करने में निपुण हो सकें और जो भी इन्होंने गलतियां की हैं उनको भुलाकर आगे जो है अपने कार्य कर सकें, अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। सर्टिफाइड स्कूल, तो ये भी जो है कानून विधि है बाल अपराधी बालक के उपचार की, ठीक है। बाल सुधार गृह, किशोर न्यायालय, किशोर बंदी गृह, बेस्ट्रल संस्थाएं और सर्टिफाइड स्कूल। नेक्स्ट देखें व्यवहारात्मक विधि, यानी बच्चों के व्यवहार में जो है वो परिवर्तन लाना। तो सबसे पहली है सांकेतिक विधान। तो ये विधि कौन सी होती है? जिसमें बच्चों को छोटे छोटे काम दिए जाते हैं और उसके बदले उनको पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। तो इस लालच में बच्चे जो है वो अच्छे कार्य करना सीख जाते हैं, बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। दूसरी है मॉडलिंग, यानी यहाँ पर जो है अच्छा मॉडल जो है वह प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी जो व्यक्ति है, महान पुरुष जो है, उसके बारे में बताया जा सकता है। नेक्स्ट है पुनर्वास विधि, जिसमें उचित स्नेह, प्यार और उचित व्यवहार जो है उनके साथ अपनाया जा सकता है। सकारात्मक व्यवहार जो है बच्चों के साथ किया जा सकता है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपराध ना करें और
अच्छी आदतें जो हैं उनके अंदर आएं और वह आगे का भविष्य जो है उनका सुरक्षित रह सके। तो इस तरीके से हमने बाल अपराधी बालक जो है उनकी पहचान, कारण और उपचार जो है वह अच्छे से पढ़े, तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक उस बालक को हम कहेंगे जिसके व्यवहार में कोई ऐसी जो है असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है। जैसे कि बालक जो है उसकी आदत है चोरी करना, बात बात पर झूठ बोलना या गुस्सा करने वाला बालक। तो कॉफमैन के अनुसार समस्यात्मक बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपने वातावरण के प्रति सामाजिक रूप से अस्वीकार्य ढंग से, व्यक्तिगत रूप से, असंतोषजनक तरीके से और स्पष्ट ढंग से लंबे अरसे से अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, ऐसे कार्य करते हैं जो कि समाज जो है जिनको नहीं स्वीकारता है। ठीक है, तो इन बालकों को हम क्या कहेंगे? समस्यात्मक बालक कहेंगे। वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि समस्यात्मक बालक पद का प्रयोग साधारणतः उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार, व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि समस्यात्मक बालक जो हैं वह बालक होते हैं जो कि व्यवहार में और जिनका व्यक्तित्व जो है वह किसी न किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है सामान्य बालकों की अपेक्षा। तो ऐसे बालक जो हैं कैसे कहलाएंगे? समस्यात्मक बालक प्रॉब्लम चाइल्ड कहलाएंगे। अगली परिभाषा है बौर की। बौर कहते हैं कि समस्यात्मक बालक घरेलू वातावरण से हो जाता है, यानी उसके घर का जो वातावरण है वही प्रॉपर नहीं है और इस वजह से जो है वो चोरी करना, झूठ बोलना जो है वह सीख गया है। तो डेफिनेशन जो है वो बौर की हम अच्छे से याद रख सकते हैं। बौर को आप ऐसे लगा लें कि बोर हो जाना। तो यहाँ पर देखिए जब घरेलू वातावरण जो है समस्यात्मक हो तो बच्चा जो है वो बोर हो जाता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। विशेषताएं क्या रहती हैं समस्यात्मक बालकों की? तो देखिए किसी किसी बालक में जो है चोरी करने की बहुत बुरी आदत होती है। ठीक है, तो कारण क्या हो सकते हैं? कारण हो सकता है कि जो छोटे बालक जो हैं उनको ज्ञान नहीं होता है, उनको जो है सही ज्ञान नहीं दिया गया है कि चोरी करना जो है वो गलत बात होती है, तो अज्ञानता के कारण वो चोरी करना सीख जाते हैं, या फिर उनकी जो इच्छित वस्तु होती है उसको प्राप्त करने के लिए वो चोरी कर लेते हैं। ठीक है, या फिर अपने समूह में जो है अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करने की यदि उनकी इच्छा है तो इस वजह से चोरी करना सीख जाते हैं। ठीक है, जब उनकी आवश्यकताएं जो है घर परिवार में पूरी नहीं होती हैं तो इस वजह से भी चोरी कर लेते हैं, और ये जो है चोरी की लत जो है वो आगे चल के धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है। ठीक है, और ये जो है समाज के लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे जो बालक होते हैं जो कि चोरी करते हो तो इन बालक पर जो है चोरी का दोष जो है ना लगाकर इनको जो है समझाया जाना चाहिए कि चोरी जो है वो गलत बात होती है, इसके जो है आगे क्या परिणाम होंगे। ठीक है, बालक में जो है आत्मनियंत्रण की भावना का जो है विकास करना चाहिए। बालक को सही गलत जो है उसमें फर्क जो है वह बताना चाहिए। बालकों के जो माता पिता हैं उनका ये दायित्व है कि जो है व्यक्तिगत रूप से जो है बच्चों पर ध्यान दें कि ऐसी आदत जो है वो उसको ना लगे और आगे चल के जो है ऐसी कार्य जो है वो ना करे। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्रूरता धमकाना। यदि किसी बालक को बात बात पर जो है गुस्सा किया जाए, उसको धमकाया जाए, तो बालक जो है क्या हो जाता है, हम देसी भाषा में क्या कहते हैं कि वो ढीठ हो गया। ठीक है, अब उस पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि वो गलत काम भी करता है। तो ऐसे बालकों को बात बात पर जो है वो धमकाया नहीं जाना चाहिए। थर्ड नंबर पर है धूम्रपान। ऐसे जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, धूम्रपान जो है ये लत जो है इनकी लग जाती है, चोरी छुपके जो है वो धूम्रपान करते हैं। अनुशासनहीनता, हमेशा जो है अनुशासनहीनता दिखाते हैं और ना तो खुद कार्य करते हैं और ना ही दूसरों को कार्य करने देते हैं। कक्षा से भाग जाना, अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लास से जो है ये भाग जाते हैं जिससे शिक्षा में जो है पिछड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको क्लास में जो है बिल्कुल पढ़ने में जो है इनकी रुचि ही नहीं है, तो इस वजह से बात बात पर जो है कक्षा से भाग जाना ये इनकी आदत में होती है। लापरवाही, किसी भी चीज की जो है केयर नहीं करते हैं। ईर्ष्या या संदेह, तो ये जो होते हैं देखिए इनमें ईर्ष्या, संदेह और स्वार्थ जो है ये भावना इनके अंदर होती है। बालक जो है कभी-कभी अपने स्वार्थों के कारण जो है वो झूठ बोलता है। यदि जो है वह घर का जो काम है करके नहीं लाया है स्कूल में तो पनिशमेंट से बचने के लिए जो वो ये कह देता है कि मेरे तो पेट में ही दर्द हो रहा था, ऐसे जो है वो बहाने लगाने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, कल्पनात्मक झूठ। तो ये वही है यानी कि झूठ जो है जो ऐसा बोलता है, कहानियां जो है वह गढ़ने लग जाता है।
तो उपचार जो है वह क्या होना चाहिए ऐसे बालकों के लिए, समस्यात्मक बालक जो हैं उनके लिए क्या उपचार होने चाहिए, क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो यदि बालक को बहुत अधिक क्रोध आता है तो उसके क्रोध पर नियंत्रण करने की जो है उसको शिक्षा देनी चाहिए कि क्रोध जो है करना गलत बात होती है, इससे कार्य जो है वो बिगड़ते ही हैं। ठीक है, बालक को केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने के लिए परामर्श देना चाहिए और बालक के क्रोध को जो है व्यक्त करके नहीं बल्कि शांति से जो है शांत करना चाहिए। बालक को यदि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो दंड और कठोरता का प्रयोग करके दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका क्रोध जो है और बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है बालक का जो खेल है, काम जो है आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालने चाहिए, जरूरत हो तभी उसको बताना चाहिए कि ये गलत है ये सही है। यदि बात बात पर जो है उसको टोका जाएगा तो क्रोध आना जो है स्वाभाविक होता है। ठीक है, और जब बालक का क्रोध शांत हो जाए तब उससे जो है तर्क करके उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध जो है वो सही नहीं था, अनुचित था। तो समझौते दंड जो है वह देना चाहिए, हर बात पर दंड दिया जाना चाहिए ये गलत बात है। स्वस्थ आलोचना करनी चाहिए, बताना चाहिए क्या उचित है क्या अनुचित है। अभिरुचि एवं अभिक्षमता के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए, जितनी जो है उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके ऊपर जो है उसको वजन लगने लगे पढ़ाई, और वह उस पढ़ाई से क्या करने लगे, अपना जी चुरा कर जो है वह क्लास से भागने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सही उपचार क्या है कि उसके रुचि के अकॉर्डिंग जो है उसे शिक्षा देनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी जितनी है जितना वो समझ सकता है तभी तक जो है उसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर जबरदस्ती की जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अलाभान्वित तथा वंचित बालक यहाँ से हम पढ़ेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया है इसको रिवाइज करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।